हेलो एवरीवन। तो बेटा इस क्लास में हम देखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। 10th क्लास को बोर्ड के भी एग्जाम आ रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ये गुणनखंड के लिए तो ये क्या दे रखा है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, ये तीन संख्या हमारे पास दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो 7x है इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसको 10 को भी यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास हमको दो संख्याएं चाहिए, दो संख्या वो चाहिए जो जिनको जोड़ने पर क्या है, 7x आए। जिनको जोड़ने पर क्या है, 7x आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 10 आए। तो हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं वो, इसका फैक्टर कर लेंगे फिर हम। देखिए अब इसको फैक्टर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 2 5 10 और 5 1 5। तो हमारे पास दो संख्या कौन सी निकल के आई, वो 2 और 5। तो 2 और 5 क्या करेंगे अब हम इसमें, यहाँ पर करेंगे 2x प्लस 5x, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 5x, तो ये कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे, दोनों संख्याओं को कैसे रखेंगे देखिए। अब यहाँ पे हमने दो संख्याओं को कैसे रखेंगे, जैसे एक्स स्क्वेयर यहाँ रखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ पे हम 2x को इधर भी रख सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये पेयर बन गया, ये भी हमने पेयर बना लिया, दो पेयर बन गए। अगर दो पेयर बन गए तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से पहले कॉमन क्या है, इसमें क्या है, एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो क्या करेंगे, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स प्लस, यहाँ एक्स ही बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे प्लस, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, 10 है, 2 और ये एक्स हो गया, प्लस 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, x प्लस 2, इसको हम एक बार लिख देंगे और x प्लस 5 को भी लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं आप फैक्टर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।